जो पत्थर है इस पत्थर का हमें पता तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि मछली इसका तवाफ कर रही है। आप देखें मछली इसके चारों जानिब घूम रही है। और बाकी भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारी मंजिल जो है आज की इस एपिसोड में वो है नीला भूतो। ये इस्लामाबाद का एक मज़ाफ़ती इलाका है, इसको संडा पत्थर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ख़ास बात है वो है यहाँ पर जो हज़रत बरी इमाम सरकार है वहाँ पर उन्होंने चिल्ला कशी की, उसकी एक बहुत ही अनोखी कहानी भी है और एक बहुत खूबसूरत गांव है यहाँ इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती, वहाँ की आज हम आपको सैर करवाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है मुकाम संगड़ा गली जो मुनाल से तकरीबन 8-10 किलोमीटर का फासला है हरिपुर की जानिब, वहाँ पर इस वक्त हम आए हुए हैं। यहाँ से अब हमने ये संगड़ा गली से ये बोर्ड लगा हुआ है कारियाँ नीला भूतों का और ये रास्ता जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ, ये सामने मेरे चिल्लागा है बरी इमाम सरकार की संडा पत्थर, और ये गांव है नीला भूतो, बहुत ही खूबसूरत गांव। यहाँ पे आके बंदा बिल्कुल जो शहर के नज़ारे हैं भूल जाते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं इनसे नीचे। ये हम बिल्कुल इस वक्त संडा पत्थर के सामने पहुंच चुके हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आके पता लगता है कि नेचर या कुदरत कोई चीज़ मौजूद है, और ऐसी खूबसूरत जगह आपको इस्लामाबाद के नज़दीक देखने में बड़ी कम मिलेगी। ये लोग आए हैं हमारे साथ कुछ, इन्होंने यहाँ पर हाज़िरी देनी थी, तो वो भी देखेंगे। और साथ ये नज़ारा देखें नाज़रीन, ये है संडा पत्थर, बिल्कुल अकल दंग रह जाती है कि इस ज़माने में इतना साफ शफाफ पानी, इतना कलरफुल पानी, और कलरफुल पानी के साथ नाज़रीन यहाँ पर ये देखें आपके बिल्कुल सामने बहुत बड़ी तादाद में फिश से हैं, यहाँ पे मछलियाँ हैं और इन मछलियों को कोई भी हाथ नहीं लगाता, पकड़ता नहीं है यहाँ पे, ये खुलेआम घूमती हैं। ये क्यों घूमती हैं, यहाँ पर क्या वाकया हुआ, ये हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दोस्त जो यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और ये हमें यहाँ पर इसकी डिटेल थोड़ी बताएंगे। अभी ये यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, कुछ हाजिरी देंगे। देखिए आप मछली जुड़िया साड़ियां रब नाल तारा सन, किधरे वे लगे तो यार मना लेइए, मन जाए तो फिर रल के खुदा दे कार पेइए, ना किसी नु जबर ते ना जेर कही। मैं नहीं मंदा मुल्ला दा दास, मेरे कोले इश्क दा दास, ए तू मेरे कोलो खोके दास, मुल्ला कोल राज नहीं, जद इश्क दसिया राज यार, ते इल्म नहीं कीता एतबार, मुल्ला बैठा मसीती, ते असा बैठे हैं यार दे कार, एथे नहीं इल्म दी रसाई, मुल्ला खादा काटा ते इश्क नु मिल गई खुदाई। कर अमला दा लोकी ना के पाक होण पानिया ना, तू पाक ओमला दा लोकी लड़ाइयां लड़न तलवारां ते डंडियां नाल, तू बुराई नाल लड़ के जीत अमला नाल, लोकी वड्डा बणन मारे साथ बाण गरीब लोकां दा, तू वड्डा बणन मारे आस बाण माड़े लोकां दी, लोकी जुसा कजन धागियां नाल ते तू काज अमला नाल, लोकी नमाजा पढ़न छारिया नाल ते तू पढ़ अमला नाल, लोकी महल बराण
अपने ऐशो आराम ले तू भांबल पाल दे आगता रोटी पकाने लई ते लोकां दी भुख पकाने लई ते पेट ते जाया रब राजी होवे ते फिर ना कंड खाली होवे ते फिर वड़िए बनिया दे वेले ते वल्ले भी खुश अल्ले भी खुश सैन भी खुश ते मोहम्मद भी सफर तय करके आए हैं यहाँ पर और आए क्यों हैं इतने दूर बजा करके, ये तो जंगल है बिल्कुल। हम हरिपुर से आए हैं, गांव प्रिंट कमाल खान, तकरीबन 5 घंटे का सफर तय करके हम यहाँ आते हैं, क्योंकि आते हैं यहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। सरकार का यहाँ पर चिलाकृषि भी की हुई है तो इस वजह से बहुत सुकून है इस जगह। ठीक है, ड्यूटी क्या करते हैं यहाँ पर? हम ड्यूटी इसलिए यहाँ पर चरागी करते हैं, मच्छियों को गोश्त डालते हैं। कब कब गोश्त डालते हैं और कितने अरसे से गोश्त डाल रहे हैं? गोश्त हम तकरीबन 2-2.5 साल से डाल रहे हैं, हर चांद की 10वीं तारीख को आते हैं, गोश्त भी डालते हैं और यहाँ पर चरागी भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुकून आपको नज़र आता है, शहरों की बनिस्बत यहाँ ज़्यादा सुकून क्यों है, वजह क्या है यहाँ पे? बस यहाँ पर बहुत सुकून है इसलिए कि यहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह के नेक लोग हैं जो यहाँ पर अल्लाह को याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर सुकून है। ओके, मेहरबानी जी। नाज़रीन, बिल्कुल ये वो मछलियाँ हैं जिनको मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 या 5 सदियों से यहाँ पर इनको गोश्त, दाना, आटा, ये चीज़ें खिलाई जा रही हैं, क्योंकि रवायत के मुताबिक इन यहाँ पर पानी में जो हजूर बड़ी सरकार थे उन्होंने चिल्ला कृषि की इबादत की थी इस पानी में, और 12 साल वो पानी में बैठे रहे, जिसकी वजह से उनके जो गोश्त था वो गल गया था। आम आदमी के लिए सोचना बड़ा हैरान कन है कि 20-30 दिन अगर पानी में बंदा रहे तो गोश्त गल जाता है, तो इसकी हकायत हमें मुकम्मल नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इस पानी में उन्होंने चिल्ला कृषि की थी। लोग फिर यहाँ से उनको निकाल कर ले गए थे और उनके जिस्म पर कपड़े बांध कर पट्टी बांधी गई थी पूरे जिस्म पर, जिसके बाद उनका जिस्म दोबारा बना था। ये बहुत मशहूर रवायत है यहाँ की, ये वो मुकाम है जहाँ पर वो चिल्ला कृषि की गई थी, और इन मछलियों के आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने वो गोश्त खाया था, और उसी रवायत को पूरा करते हुए हर चांद की दस्ती को यहाँ पर गोश्त डाला जाता है, चरागी की जाती है।
और बिल्कुल सामने वो आप देख सकते हैं कि वो जगह है जो संडा पत्थर है। ये है जो भैंसा है, जो वो पत्थर हुआ हुआ है, इसकी भी क्या स्टोरी है ये भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम है ये। पानी बिल्कुल साफ शफाफ है और ये देखें कि आपको पानी के नीचे तक हर चीज़ यहाँ पर साफ नज़र आती है। और इसके सामने ये बिल्कुल ये वो पत्थर पड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये संडा पत्थर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पानी आता रहा तो वो टूट चुका है और अभी वो रेजा रेजा होकर आगे पीछे बिखरा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है ये वो संडा है जिसको पत्थर बनाया गया था। रवायत यही है यहाँ पर, इसके साथ रास्ता मौजूद है और आगे यहाँ पर ये वो मुकाम है जहाँ पर चरागी और ये सब किए जाते हैं और सामने ही वहाँ पर मछलियों को गोश्त डाला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस पत्थर को।